बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग के साथ रहील आपके खिदमत में हाजिर है। आप सबको खुश आमदीद कहता है। आज का व्लॉग आप मेरा पूरा देखिएगा। आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे सियालकोट की वो जगह जहाँ आपने देखा नहीं तो समझो आपने सियालकोट में कुछ भी नहीं देखा, सियालकोट शहर देखा ही नहीं है। तो ये जो चौक, मशहूर चौक दिखाएँगे हम आपको, जो भी दिखाएँगे उस चौक में जब भी कोई पाकिस्तान की टीम फाइनल जीतती है, बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जीतती है, या अभी कोई बहुत बड़ी खुशी होती है, 14 अगस्त का त्यौहार या सेलिब्रेशन, कोई भी बहुत बड़ा काम होता है, मरना मरण और जीन जो है इन चौकों पे होता है, कोई बहुत बड़ा इंतजार होता है, तभी ये जो चौक हैं इस्तेमाल होते हैं, सियालकोट के मशहूर तरीन चौक। तो ये जो हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये ड्रामा वाले चौक है, यहाँ पर अल्लाह मालिक वाले का होटल भी है। तो ये हम रास्ते बताएँगे किधर किधर को जाते हैं। ड्रामा वाले चौक ये ऊपर जो है शहीन बना हुआ है, और जो है यहाँ पर जो है अल्लामा इकबाल की मूर्ति है। ये जो रोड है किस तरफ जा रहा है, ये रेलवे स्टेशन वाला रोड है। ये आगे जाके उस तरफ रंगपुरे को भी तरफ आगे जाके कैंट की तरफ भी निकल जाता है। तो ये जो इस तरफ रोड जा रहा है, ये रोड है बाई तरफ है, और ये जा रहा है कचहरी की तरफ, और जो है ना दूसरा रोड आगे निकल जाता है पैरस रोड की तरफ। मीवर हम मूव करके इधर को कैमरा करते हैं। ये जो रोड जा रहा है लाही बाजार की तरफ जा रहा है, और ये जो रोड निकल रहा है ये रामतलाई रोड है। ये इस तरह के हमने दिखा दिया कि ये रास्ते निकल रहे हैं, आगे ना तीर के निशान भी दिए हुए हैं। ये जो चौक देख रहे हैं हम, ये चौक है, और यहाँ पर एक और जो है छोटा सा बना हुआ है, हम देख सकते हैं। आगे उस गली में जाते हैं। तो ये जो है आगे हम देखते हैं, यहाँ पर भी एक साइकिल वाली दुकान है। तो इसी चौक में जो है वो काफ़ी सारे जो है इल्लामा इकबाल और कायदे आजम जो है काफ़ी सारे जो है ना बनाए हुए हैं। तो ये जो मेरे व्यूअर, ये हम देख सकते हैं करीब से, इसकी बैक साइड पे जो है रेलवे स्टेशन है। तो जो जीना मरना है इसी चौक में है, लाजमी होता है। ये सियालकोट का मसरूफ तरीन चौक है, और इस चौक के साथ ही ये जो है ना अंदर, ये आप देख सकते हैं हर तरह की साइकिलें हैं और दूसरी गाड़ियां हैं, खरीदार भी आए हुए हैं। ये जी हम देख सकते हैं मेरे व्यूअर, साइकिलें हैं हर तरह की, ये हम साइकिल खरीद सकते हैं। और ये जी यहाँ पर साइकिलें देख के दौर याद आ गया कि सबसे पहले यही निकली थी मोटरसाइकिल से, अब मोटरसाइकिल तो अब आम हुई है। देखिए बच्चों की साइकिलें लेके जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, फैमिलियाँ भी आई हुई हैं। ये भाई देख सकते हैं मेरे व्यूअर, ये यहाँ तक थोड़ा सा बाजार है, चंद दुकानें हैं। आप चलते हैं कैंट की तरफ। हाँ जी मेरे व्यूअर, आए थे हमने देख लिया ड्रामा वाला चौक, अब हम जाएंगे रेलवे स्टेशन की तरफ और यहाँ से चक्कर लगाएंगे कैंट का दूसरा मशहूर चौक दिखाएंगे कि जिसने नहीं देखा तो सियालकोट में कुछ भी नहीं देखा, दूसरा चौक नहीं देखा तो, देखा है तो सियालकोट समझ लो थे कि देख लिया आपने। ये है शहर, शेरों का शहर, शहर सियालकोट। गाड़ी में बैठे हम जा रहे हैं कैंट की तरफ, वो जा रहे हैं कैंट की तरफ। हमारी जो है एंट्री कैंट में हो चुकी है, और हम कैंट में पहुंच चुके हैं, मगर हम जाके उतरेंगे घंटाघर। बाकी कैंट का बाजार जो हम दिखा चुके हैं अपनी वीडियो में, बाकी हम जा रहे हैं आगे कैंट की तरफ कर रहे हैं। हम घंटाघर के पास पहुंच जाने लगे हैं।
जी मेरे व्यूअर, मैं चलता चलता आ गया हूँ दूसरे चौक की तरफ, सियालकोट का दूसरा चौक। यहाँ पर जो है न्यू ईयर हो, कोई फंक्शन हो और ये चौक ना सजे, यहाँ पर कोई ना हो, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हम इर्द गिर्द देख सकते हैं चौक है, ये काफ़ी बड़ा जो है चौक बना हुआ है, ये सियालकोट कैंट का, ये जो है घंटाघर है। मेरे व्यूअर यहाँ पे हम देख सकते हैं माँ आवाम की जो आम दरख्त है, जो उस तरफ बाज़ार है, हम भी अपनी ब्लॉग में दिखा चुके हैं, वो जो है मॉल ऑफ सियालकोट है, पीछे नज़र आ रहा है, वो भी हम अपने ब्लॉग में दिखा चुके हुए हैं, ब्लॉग देख सकते हैं मॉल ऑफ सियालकोट वाला अलहदा से। और ये जो है घंटाघर है। आज हाँ जी मेरे व्यूअर, मैं मॉल ऑफ सियालकोट के बिल्कुल फ्रंट पे आ गया हूँ और यहाँ से सीधा जो है दाई तरफ हो जाऊंगा, जो कि मशरकी एरिया है, सीधा उस तरफ जाएंगे। जी मेरे व्यूअर, अब आगे उस तरफ जाएं तो उस तरफ ही मेरा माहौल है, ईट मोर कैंट का बहुत कुछ है उस तरफ भी, और मॉल ऑफ सियालकोट के हम उस तरफ जाएंगे चढ़ते की तरफ। तो ये जी रोड कश्मीर रोड पक्कागढ़ से चाइना चौक में एंटर होता है और सीधा सीधा रोड जो है ना ये मॉल ऑफ सियालकोट कैंट से होता हुआ ये वेलफेयर शॉप की तरफ चला जाता है। ये हम आगे बढ़ रहे हैं मॉल ऑफ सियालकोट से आगे की तरफ, और हम देख सकते हैं कैंट का माहौल, कैश एंड कैरी, ये सारे इस तरह से आम तरफ। व्यूअर मैं अगले चौक पे आ गया हूँ, यहाँ पर अभी इन्होंने दिखाया हुआ है कि वी मॉल किस तरफ जाना है, मैं निशान दिया हुआ है जो वेलफेयर चौक की तरफ, सीधा चढ़ की तरफ रोड जा रहा है। उस रोड की खूबसूरत देखिए तो जो इस तरफ है वो इकबाल इकबाल मरकज़ बना हुआ है उसी रोड पे। तो ये जी बड़ा सा खूबसूरत सा यहाँ पर इकबाल मरकज़ बना हुआ है। तो ये यहाँ पर इलामा इकबाल के बारे में, ये यहाँ से वी मॉल की तरफ रास्ता जाता है और इसी रस्ते में जो है कैंट की यूनियन काउंसिल है और इधर से जो है ना वो आगे ही फैमिली पार्क है और बहुत कुछ है। और हम देखेंगे कि पौधों की जो है खूबसूरती है, ये भी चार चांद लगा रही है ये कैंट की तरफ। और इस रोड पे हम आएंगे तो हमें देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अभी ब्लॉग को यहाँ से ख़त्म करना चाहूँगा, ये ब्लॉग इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में भी सियालकोट की कुछ चीज़ें देखेंगे, तो इंशाल्लाह वक्फे से देख रहेंगे कुछ ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग मेरा इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में फिर इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।